सोलन जिले के 15 दिसंबर के मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसको लेकर आज जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह, पुलिस अधीक्षक डीडी सिंह ने जिला चिकित्सालय के नवीन ओपीडी भवन का निरीक्षण कर एक दो दिन में बकाया कार्य पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। नवीन जिला चिकित्सालय का मुख्यमंत्री द्वारा 15 दिसंबर को लोकार्पण करना है। इसको लेकर जिला चिकित्सालय के अधिकारियों से चर्चा की गई और जरूरी निर्देश दिए गए। वहीं भोजनशाला, पार्किंग स्थल सहित पूरे जिला चिकित्सालय का कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान चिकित्सा विभाग सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के दौरे से लोगों में भारी उत्साह और जिले को कई विकास की सौगातें मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तीसरे चरण की आज जिले में शुरुआत हुई। 25 गांवों में 31 स्थानों पर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के कार्य शुरू हुए, तो वहीं मुख्य कार्यक्रम लूनकर्णसर के सहजरासर में हुआ। यहां प्रभारी मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, विधायक माणिकचंद सुरणा और भाजपा नेता सुमित गोदारा ने एमजेएसए के तृतीय चरण का आगाज किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने एमजेएसए की तारीफ करते हुए कहा कि एक ऐसी योजना है जिसे देखने के लिए विदेशी भी आ रहे हैं और इससे निश्चित तौर पर प्रदेश को फायदा होगा। जल संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री का ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज साल की पंचम और अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों मुकदमों का निस्तारण हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में 5 सिटिंग जजों की बेंचों का गठन किया गया, जिसमें कई मामलों का निस्तारण हुआ। कुल 1300 मामले सूचीबद्ध थे। तो वहीं साथ ही जोधपुर महानगर में भी 21 बेंचों का गठन कर मामलों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत के माध्यम से जो मुकदमों का निस्तारण हो रहा है, उसको लेकर पक्षकारों ने भी काफी आज रुचि दिखाई है। अगर बात करें पारिवारिक न्यायालय की, तो दीपिका और चंद्रेश जैसे कई मामले आज सुलटे हैं और जो पारिवारिक विवाद थे उनका निस्तारण करने के साथ ही जो अब तक डाइवोर्स पिटीशनें फाइल हो रखी थी उनका भी आज निस्तारण हुआ। साल 2017 की अंतिम लोक अदालत में आज कई मामलों का निस्तारण हुआ, जो लोक अदालत की भावना से हुआ है। टोंक के राजमहल में भीख मांगने आई दो महिलाओं की जमकर की धुनाई। 18 वर्षीय बालिका की तबीयत बिगड़ने पर मचा बवाल, परिजनों ने टोने टोटके करने का लगाया आरोप। टोंक जिले में राजमहल कस्बे के तुमीपुरा मोहल्ले में आज दोपहर उत्तर प्रदेश निवासी दो महिलाएं भीख मांगने के लिए इधर उधर घूम रही थी। दोनों ही महिलाओं ने घर के बाहर बैठी करीब 18 वर्षीय बालिका को 3 से 4 लौंग खाने को दिए। लौंग खाने के कुछ समय बाद बालिका को अचानक चक्कर आने लगे और तेज बुखार आ गई। घटना की जानकारी बालिका के परिजनों को मिली तो दोनों महिलाओं की मुख्य बाजार में पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दूनी थाना पुलिस ने दोनों ही महिलाओं को हिरासत में ले लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। श्री गंगानगर के बीज बायला बस स्टैंड पर आज जनता ने मजनुओं की जमकर दुलाई। हालांकि हम बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, आज बीज बायला बस स्टैंड पर चलती गंगा में सबने हाथ धोए वाली कहावत उस समय सच हुई जब स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं को छेड़ने वाले मजनू आम जनता के हाथ चढ़ गए। फिर क्या था, जिसको मौका मिला सबने मजनुओं को जमकर धोया। हालांकि कुछ मजनू भागने में भी सफल हो गए। श्री गंगानगर में जिले भर की छात्राओं को स्कूल जाते समय और कॉलेज जाते समय इस प्रकार की परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ता है। अगर पुलिस समय रहते कोई कार्रवाई करे तो शायद परिजनों को ढूंढ ढूंढ कर इन मंचनों को ना पिटना पड़े। तो आज 2 साल बाद मिली बड़ी रेल लाइन की सौगात। आज से शुरू हुई चूरू फतेहपुर बड़ी रेल लाइन, रेल राज्य मंत्री राजेंद्र गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रेल को किया रवाना। 1924 को चूरू फतेहपुर रेल लाइन शुरू हुई थी, उस समय मीटर गेज थी। 93 साल बाद 17 नवंबर 2015 को मीटर गेज रेल लाइन को बंद कर दिया गया। इसके बाद यहां ब्रॉडगेज रेल लाइन का काम शुरू हुआ जो 2 साल तक चलता रहा। यहां चूरू के लोगों को काफी आशा थी कि ब्रॉडगेज कब शुरू होगी, अब इंतजार उनका खत्म हुआ। आज रेल राज्य मंत्री ने बड़ी रेल लाइन पर रेल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रेल राज्य मंत्री राजेंद्र गोयल ने 2 साल के इंतजार को आज किया खत्म। मीटर गेज के बाद ब्रॉडगेज में परिवर्तित हुई चूरू फतेहपुर लाइन, अब ब्रॉडगेज का सफर कर पाएंगे चूरू के आमजन। रेल राज्य मंत्री ने कहा कि सिक्करफत जयपुर के बीच भी कार्य तीव्र गति से चल रहा है, ये कार्य जल्द पूर्ण होगा और चूरू के लोग चूरू से जयपुर का सफर भी बड़ी रेल लाइन पर कर पाएंगे जल्दी।
बयाना उपखंड मुख्यालय पर स्थित सरकारी अस्पताल में बिजली चोरी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां भनक लगते ही विद्युत विभाग का दस्ता मौके पर पहुंचा और जांच में चोरी करने का मामला सही पाया गया, जिससे विद्युत विभाग ने अस्पताल का कनेक्शन काट दिया, जिससे मरीजों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। साथ ही चिकित्सकों को उपचार करने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए और अति आवश्यक सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए विद्युत विभाग ने देर शाम को अस्पताल का कनेक्शन जोड़ दिया है, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाएं सुचारू हो गई हैं। अस्पताल में प्रीपेड मीटर लगा हुआ है, जहां मरम्मत कार्य के लिए एक निजी मिस्त्री को अस्पताल प्रबंधन द्वारा रखा गया है, जिसने प्रीपेड मीटर को बाईपास कर अस्पताल में बिजली की व्यवस्था कर रखी थी। डूंगरपुर जिले में शराब माफियाओं के खिलाफ डूंगरपुर पुलिस इन दिनों एक्शन में नजर आ रही है। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने शनिवार को भी दो बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 50 लाख की अवैध शराब जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी शंकरदेव शर्मा के निर्देश पर जिले में चल रहे अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत बिछीवाड़ा थाने की रतनपुर चौकी पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने आलू की बोरियों की आड़ में तस्करी हो रहे अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया। पुलिस ने जब ट्रक से 36 लाख रुपए कीमत के 600 कार्टन अवैध शराब के बरामद किए, वहीं दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बोखला गांव में एक मकान से 247 कार्टन अवैध शराब के बरामद किए और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इधर दोनों ही मामलों में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इधर जिले में अवैध शराब के खिलाफ चल रहे अभियान ने शराब माफियाओं के होश उड़ा के रख दिए हैं। डूंगरपुर पुलिस ने पिछले दो दिनों में चार कार्रवाई करते हुए करीब 2.5 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की है। प्रतापगढ़ जिले की रिठाजना थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 65 किलो डोडा चुरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रिठाजना थानाधिकारी भगवान लाल ने बताया कि उनकी टीम एसपी शिवराज मीणा के नेतृत्व में नाकाबंदी कर रही थी। इस दौरान एक बाइक को रोका गया और बाइक पर लदी बोरी की तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर बाइक से 64 किलो 400 ग्राम डोडा चुरा बरामद हुआ, तो वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने बताया कि वह हथुनिया थाना क्षेत्र के कल्याणपुरा का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी एक मामला दर्ज है। पुलिस आरोपी से डोडा चुरा तस्करी को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि जिले में एसपी शिवराज मीणा के नेतृत्व में मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए अभियान चल रहा है, जिसके तहत लगातार सफलताएं हाथ लगी रही हैं। जालौर के भिनमार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। स्मैक के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से बोलेरो वाहन और 2,85,000 की नकद राशि की जब्त। जालौर जिले के सांचोर, करड़ा, रानीवाड़ा, भिनमाल क्षेत्र में इसमें गिरोह सक्रिय है। इसमें गिरोह सक्रिय होने के चलते युवा इस दलदल में फंसते जा रहे हैं और युवा इसमें के आदि हो रहे हैं। इसमें के आदि होने से युवा तस्करी और अन्य वारदातों को अंजाम देने में भी आगे आ रहे हैं। ऐसे में भिनमाल पुलिस की कार्रवाई अपने आप में एक बड़ी सफलता है। भिनमाल पुलिस ने मुखबिर के जरिए सूचना पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए इसमें के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की तलाशी में 2,85,000 की नकद राशि बरामद की है। वही एक बोलेरो वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसमें के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद भिनमाल पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई वारदातें खुलने की आशंका है। इसमें गिरोह को भिनमाल पुलिस तोड़ने के लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में उम्मीद है भिनमाल पुलिस को बड़ी सफलता इसमें गिरोह तोड़ने में मिलेगी। बांसवाड़ा जिले में रात होते ही बजरी माफियाओं का अवैध खेल शुरू हो जाता है। रातों रात जिले में सैकड़ों की संख्या में अवैध रूप से आ रहे रेती से भरे डंपर, खनन विभाग देखकर भी बन रहा है अनजान। जी मीडिया ने इस पूरे मामले की रात भर पड़ताल की तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। रात 12 बजे बेणेश्वर धाम की नदियों और आसपुर गांव से गुजर रही माही नदी में धड़ल्ले से रेती का अवैध खनन चल रहा था। वहां से रात 1 बजे के आसपास रेती से भरे डंपर डूंगरपुर जिले के सागोड़ा गाँव से बेणेश्वर धाम आकर बांसवाड़ा सीमा में प्रवेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद ये रेती माफिया किसी से नहीं डर रहे हैं और बेधड़क ये धंधा कर रहे हैं। इस पूरे मामले में खनन विभाग तो सिर्फ नाम का है। आज तक इस विभाग ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हाँ, विभाग के कार्मिकों ने इन माफियाओं से सांठगांठ जरूर की है, जिससे यह धंधा आसानी से चल सके।